जम्मू कश्मीर के तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। यहां उनकी 3 रैलियां हैं। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तानी समर्थकों दलों के साथ है। कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का प्रचार अब अंतिम पड़ाव पर है, जिसके चलते जम्मू रीजन में बीजेपी मेगा रैलियां कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रामगढ़ और आरसपुरा में चुनावी सभाएं की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर सीधे सवाल उठाए और हमला बोला। उन्होंने भाजपा द्वारा दी गई उपलब्धियों की गिनवाई। जम्मू कश्मीर के चनैनी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कहा कि आप सभी सिर्फ चनैनी के लिए वोट नहीं करेंगे, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए फैसला करेंगे। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने यंग वाइट से चुनावों पर की बातचीत। कहा, शिवसेना लोगों को देगी मूलभूत व्यवस्थित अधिकार, लोगों का मिल रहा है साथ और प्यार। जम्मू कश्मीर में बढ़ती गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जताई आज और कल बारिश की संभावना। केवीसी 16 को मिला अपना पहला करोड़पति, जम्मू के रहने वाले चंद्रप्रकाश ने जीता 1 करोड़। अमिताभ बच्चन के क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति 16 को इस सीजन का पहला करोड़पति मिल चुका है। बिग बी के प्रश्न का सही उत्तर देकर 22 साल के चंद्रप्रकाश ने 1 करोड़ रुपए जीते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची लद्दाख, एलजी ने किया स्वागत। सियाचिन बेस कैंप में बढ़ाएगी जवानों का मनोबल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी उनके जन्म दिवस पर शुभकामनाएं। दीर्घ आयु की कामना।